उदाहरण 23, दी गई आकृति में पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है यदि ए ओ बी वृत्त का व्यास है तथा कोण एस ए बी बराबर 50 अंश है तो कोण ए एस पी ज्ञात कीजिए। हल, यहाँ पे कोण बी एस क्यू बराबर कोण एस ए बी बराबर 50 अंश है जो कि एकांतर वृत्ताखंड की के परिमाप द्वारा हमने बताया है। एकांतर वृत्तखंड के परिमाप द्वारा उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ए कोण ए एस बी जो कि 90 अंश है तो यह हमने व्यास द्वारा बना कोण लिया है। यहाँ पे 90 अंश कोण ए एस बी बराबर 90 अंश व्यास द्वारा बना कोण। अब हम त्रिभुज ए एस बी में त्रिभुज के अंतः कोणों का योग लेंगे। कोण ए बी एस धन कोण ए एस बी धन कोण बी ए एस बराबर 180 अंश या कोण ए बी एस धन कोण ए एस बी हमारे पास 90 अंश है उसी तरह से कोण बी एस हमारा 50 अंश है बराबर 180 अंश और कोण ए बी एस 90 अंश धन 50 अंश आपका हो जाएगा 140 अंश बराबर 180 अंश। उसी तरह से कोण ए बी एस 140 अंश का पक्षांतर करेंगे तो 180 अंश ऋण 140 अंश बराबर 40 अंश चूँकि कोण ए एस पी जो है वो कोण ए बी एस के बराबर है। ये हमारा जो है एकांतर वृत्तखंड के परिमाप द्वारा हमने बताया है। इसीलिए कोण ए एस पी जो है इसका मान 40 अंश होगा क्योंकि ए बी एस का मान 40 अंश है तो कोण ए बी एस के स्थान पर हम 40 अंश लिए इसीलिए कोण ए एस पी का जो मान है वो 40 अंश होगा। यह इस उदाहरण का हल होगा।